जय श्री राधे, जय निताई। श्री श्री हरिनाम प्रेस वृंदावन द्वारा प्रकाशित ब्रज के संत नामक ग्रंथ रत्न का रसास्वादन चल रहा है। तो आइए आज आस्वादन करते हैं श्रीपाद केशव भारती गोस्वामी जी के पावन चरित का। श्री कृष्ण चैतन्य देव की लौकिक लीला में श्री केशव भारती जी उनके संन्यास गुरु थे। इन्होंने श्री महाप्रभु को संन्यास मंत्र प्रदान किया। ब्रजलीला में आप श्री सांदीपनि मुनि थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में यज्ञोपवीत प्रदान किया। मतांतर में इन्हें अक्रूर भी माना गया है। नवद्वीप लीला में आपका आविर्भाव कुलिया में वारेंद्र ब्राह्मण वंश में हुआ। इनका नाम था श्री कालीनाथ। इनके भाई का नाम था श्री बलभद्र। कोई इनको श्री शूलपाणि वंशोद्भव तथा कोई श्री उमापति धर के वंशीय मानते हैं। चुनचुड़ावासी ब्रह्मचारी लोग अपने को श्री केशव भारती के वंशीय मानते हैं। मंत्रेश्वर थाना अंतर्गत देनुड़ ग्राम में इनके नाम से भारती पुष्करणी भी विद्यमान है। श्री भारती परम विद्वान थे, अतः इनकी कालीनाथ आचार्य नाम से भी प्रसिद्धि थी। आप गृह त्याग कर परतत्व प्राप्ति के लिए तीर्थ भ्रमण हेतु चल दिए। देवयोग से इन्हें माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन हुए। इन्होंने उनसे चरणाश्रय देने की प्रार्थना की। श्री पुरी जी ने इन्हें संन्यास की दीक्षा शिक्षा दी और इनका नाम रखा केशव भारती। नवद्वीप में एक दिन श्रीमन महाप्रभु गोपी भाव में आविष्ट हो उठे और गोपी गोपी नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए व्याकुल हो उठे। उनका एक शिष्य उस समय उनके दर्शन को आया। गोपी गोपी नाम की रट लगाते देखकर बोला, विप्रवर, आप श्री कृष्ण का संकीर्तन छोड़कर आज गोपी गोपी कैसे पुकार रहे हैं? श्री कृष्ण कहिए ना, गोपी गोपी कहने से क्या होगा? इतना सुनते ही श्री महाप्रभु में श्री कृष्ण के प्रति क्रोध भाव उदय तो हो उठा। उस निष्ठुर का नाम, जिसने व्रज को त्याग कर मथुरा गमन किया, उस निर्दयी का नाम, जो माता पिता सखाओं और व्रज गोपियों को बिलखता छोड़कर अक्रूर के साथ चल दिया। ओ दुष्ट, ठहर जा, मैं तुझे अभी सुनाता हूं उसका नाम। इतना कहकर महाप्रभु जी उस छात्र के पीछे लाठी लेकर मारने को दौड़े। वह छात्र भयभीत होकर वहां से भागा। आगे आगे छात्र और उसके पीछे पीछे महाप्रभु श्री विश्वंभर। जैसे तैसे भक्तगण ने श्री प्रभु को संभाला, शांत किया और घर पर ले आए। इधर उस छात्र ने जब छात्रों को इस घटना का सुनाया, सब छात्र महाप्रभु की निंदा करने लगे, यहाँ तक कि मारने तक को उद्यत हो उठे। आखिर छात्र ही तो थे। गुरुदेव श्री महाप्रभु की निंदा से उनको सारी विद्या भूल गई, किंतु वे इस रहस्य को न समझ पाए, बढ़ बढ़ कर प्रभु की निंदा करने लगे। इस प्रकार और भी अनेक बहिर्मुख लोग थे जो प्रभु की निंदा पहले ही करते थे, नाम संकीर्तन को ढोंग बताते तथा वैष्णवों का मजाक उड़ाया करते थे। श्री प्रभु उन सब लोगों की निंदा अपराध जनित दुर्गति को विचार कर मन मन में अति दुखी हुए। मन में सोचने लगे, मैं तो इनको भगवत भक्ति देने आया था, किंतु मेरी निंदा, भगवत निंदा, हरि नाम की निंदा तथा वैष्णव निंदा से इनकी तो महान दुर्गति होगी। इनके उद्धार की जगह पर इनका निश्चय ही अधःपतन पतन होगा। तब इनके उद्धार का एकमात्र उपाय श्री महाप्रभु ने यही विचारा कि मैं संन्यास ग्रहण करूं। संन्यास वेश में देखकर ये लोग मुझे नमस्कार करेंगे, तभी इनका निंदा जनित अपराध दूर होगा और इनमें भगवत भक्ति को ग्रहण करने की योग्यता का उदय होगा। उस समय ही नहीं, आज भी एक सन्यासी को देखकर सर्वसाधारण उसे नमस्कार करता ही है। निंदा जनित अपराध जिसकी निंदा की जाती है, उसे नमस्कार करने मात्र से दूर हो जाता है। श्री महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के और भी कई कारण एवं रहस्य हैं, किंतु यहाँ इतना ही प्रयोजन है कि महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का चित्त में दृढ़ संकल्प ले लिया। श्री महाप्रभु के संकल्प करने की देर थी कि दूसरे दिन ही श्री केशव भारती जी भ्रमण करते हुए नवद्वीप में पहुंचे। प्रभु ने इनके दर्शन किए, प्रणाम पूर्वक इन्हें अपने घर ले आए और भिक्षा कराई।
प्रभु ने विनय पूर्वक प्रार्थना की, आप तो जीवों का संसार बंधन छुड़ाने के लिए ईश्वर के समान शक्तिशाली हैं, मानो साक्षात नारायण ही हैं। अतः कृपा कर आप मेरा भी संसार बंधन छुड़ा दीजिए। इस प्रकार प्रभु ने आपको संन्यास प्रदान करने की प्रार्थना की। श्री भारती जी ने कहा, विश्वंभर, आप अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप जो भी मुझसे कराना चाहो मैं वही करूँगा। प्रभो, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इतना कहकर श्री भारती जी ने आपको निवास स्थान कोटाया अर्थात कंटक नगर चले गए। माघ शुक्ला त्रयोदशी रात्रि को गृह त्याग कर कोटाया जा पहुँचे। श्री महाप्रभु ने अपने अंतरंग भक्तों को अपने संन्यास के कार्यक्रम की सूचना पहले ही दे रखी थी। वे सब वहाँ चतुर्दशी के दिन पहुँचे। उस दिन रात्रि को सब भक्तों के साथ नृत्य गान करते रहे, मानो संन्यास महोत्सव का शुभ अधिवास मनाया गया। पूर्णिमा का दिन था। सवेरे श्री महाप्रभु सब भक्तों के साथ गंगा तीर स्थित श्री भारती जी की कुटिया पर पधारे। सबने दंडवत प्रणाम किया उनको। श्री महाप्रभु बोले, महाशय, आप मुझे मेरे प्राण धन श्री कृष्ण को दे सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्र निरंतर आपके हृदय में निवास करते हैं। मैं केवल कृष्ण दास्य चाहता हूँ। वह कृष्ण दास्य मुझे जैसे प्राप्त हो उसका मुझे उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। श्री भारती जी का हृदय धक धक कर रहा था। अहो, कैसा कनक कांतिमय नव यौवन, घर में निस्सहाय वृद्धा जननी और नव किशोरा भाव भोरी नव विवाहिता विष्णुप्रिया देवी, कैसे इन्हें संन्यास की दीक्षा दूं? सर्वज्ञ शिरोमणि जगतगुरु साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का भी उल्लंघन कैसे करूं? नेत्रों से अजस्त्र अश्रुधारा बहने लगी। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः प्रार्थना की, न्यासी शिरोमणि, अब विलंब मत कीजिए, आप तो सर्वधर्म तत्ववेत्ता हैं। यह मानव तन अति दुर्लभ है, इसे कृष्ण सेवा का सौभाग्य प्रदान करने में प्रभो देर मत कीजिए। शौर कर्म कराकर एवं गंगा स्नान पहले ही प्रभु कर चुके थे। भारती जी के सामने आसन पर बैठकर सन्यास मंत्र की प्रतीक्षा में थे। श्री भारती जी के मन में सन्यास मंत्र तो स्फुरित हो रहा था, किंतु उसका अर्थ उद्देश्य प्रभु के मन के भावों के बिल्कुल विपरीत जान रहे थे। इसी ऊहापोह में श्री भारती जी अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर पा रहे थे। यह तो प्रायः सब जानते हैं कि सन्यास मंत्र है तत्वमसी। निर्विशेषवादी मायावद्याचार्य श्री पाद शंकराचार्य इस मंत्र का अर्थ जीव ब्रह्म की एकता पर करते हैं। उनका मत है, जीव और ब्रह्म अभेद हैं, इनमें कोई भेद नहीं, इसलिए वे इस मंत्र का अर्थ करते हैं, वह अर्थात ब्रह्म तू है। इस अर्थ में सेव्य सेवक भाव का अभाव है। जब जीव ही ब्रह्म है तो कौन सेव्य या स्वामी और कौन सेवक? चाहे श्रुति स्मृति तथा वेदांत सूत्र ब्रह्म और जीव में चैतन्यांश को छोड़कर भेद का निरूपण करते हैं और जीव को नित्य पृथक अस्तित्व प्रतिपादन करते हैं, फिर भी ब्रह्म एवं जीव के सर्वथा अभेद को सिद्ध करने के लिए श्री शंकराचार्य पाद इस वाक्य का मुख्य अर्थ छोड़कर वह अर्थात ब्रह्म तू है ऐसा गौड़ अर्थ करते हैं। श्री केशव भारती भी इस संन्यास मंत्र का यही अर्थ जानते हैं, परंतु श्रीमन महाप्रभु ने पहले ही प्रार्थना की थी कि मैं केवल कृष्ण दास से चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस स्थिति में श्री भारती कुछ निश्चित न कर पा रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु को वो संन्यास मंत्र कैसे प्रदान करूं। श्री भारती जी के मनोगत भावों को जानकर सर्वज्ञ शिरोमणि श्री महाप्रभु ने कहा, प्रभु, एक दिन मुझे एक महापुरुष ने स्वप्न में एक मंत्र मेरे कान में कहा था, उसे मैं आपको सुनाता हूँ।
प्रभु ने आगे बढ़कर श्री भारती जी के कान में तत्वमसी मंत्र दिया और बोले, इसका अर्थ भी उन्होंने मुझे बताया कि तत्व तत् अर्थात तत् उस ब्रह्म का त्वम तू जीव असी है, अर्थात तू जीव उस ब्रह्म का दास है, क्योंकि जीव स्वरूप ब्रह्म श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति होने से उनकी संतुष्टि सेवा करने वाला है, अर्थात श्री कृष्ण का नित्य दास है। उस महापुरुष ने आगे यह भी कहा, तत्त्वम शब्द संधिबद्ध शब्द नहीं, यह षष्ठी तत्पुरुष समास बद्ध पद है। इतना कहकर प्रभु बोले, हे गुरुदेव, अब स्वयंवर आप विचार कर देखिए, यह मंत्र और इसका यह अर्थ कहाँ तक संगत है। उचित हो सो करिए। श्री भारती जी के हृदय पट खुल गए, चमत्कृत हो उठे इस मंत्र का वास्तविक अर्थ सुनकर। वह अर्थ केवल श्री प्रभु के ही भावानुकूल नहीं था, वरन समस्त जीवों के पक्ष में यही प्रकृत अर्थ था। श्री महाप्रभु ने मानो इस बहाने से श्री भारती जी को अपना शिष्य बना लिया। मंत्र एवं इसके अर्थ को सुनते ही श्री भारती जी बोले, इन्होंने कहा, प्रिय निमाई, यही महामंत्र है। श्री कृष्ण कृपा से तुम्हारे लिए क्या अगोचर है। इन्होंने महाप्रभु को उन्हीं का दिया मंत्र उनके कान में सुनाया। चारों तरफ श्री हरि नाम की सुमंगल ध्वनि होने लगी। श्री भारती जी अब महाप्रभु के लिए सन्यासा श्रमोचित नाम भी ढूंढने लगे, सोचने लगे। 14 लोकों में श्री निमाई जैसा वैष्णव मैंने आँखों से देखा नहीं, मन से सोचा नहीं, अतः नाम भी इनका ऐसा हो जो 14 भुवन में कहीं न सुना देखा गया हो। भारती का शिष्य भारती होता है, किंतु भारती उपाधि युक्त नाम भी इस निमाई के योग्य नहीं है। यह सोच ही रहे थे कि उसी समय सरस्वती देवी ने श्री भारती की जिह्वा पर आविर्भूत होकर कहा, हे निमाई, जगत के समस्त जीवों को तुम कृष्ण नाम उच्चारण करवाकर, कृष्ण नाम का संकीर्तन कराकर चेतनता प्रदान करोगे। भगवद बहिर्मुखता की मूर्छा से जीव जगत को जगाओगे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। तुम्हारी कृपा से समस्त विश्व कृतार्थ होगा। श्री प्रभु का नाम सुनते ही समस्त भक्त वृंद, काटोया वासी नर नारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य ध्वनि करते हुए आनंद विस्मृत हो गए, आनंद सागर में डूब गए। श्री भारती जी तो आज जगत गुरु श्री भगवान की गुरु भावमय सेवा को प्राप्त कर परम कृतार्थ हो गए। तब श्रीमन महाप्रभु ने श्री मुकुंद को कीर्तन करने की आज्ञा दी। फिर क्या था, वहां तो गए न्यासी शिरोमणि, प्रभु के दंड और कमंडलू उन्मत्त हो उठे और श्री भारती जी को आलिंगन कर नृत्य करने लगे। प्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त करते ही श्री भारती जी में विशुद्ध भक्ति का आविर्भाव हो उठा। उन्होंने दंड कमंडलू दूर फेंका और हरी 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 बोलकर नाचने लगे। प्रेमावेश में इन्हें शरीर की सुध-बुध न रही, वस्त्र तक संभालना भी मुश्किल हो गया। इस प्रकार श्री भारती जी ने श्रीमन महाप्रभु के साथ नृत्य गान में रात्रि बिताई। सवेरे जब श्रीपाद श्री महाप्रभु ने उनसे विदा मांगी तो ये अधीर हो उठे, कृष्ण चैतन्य मुझे छोड़कर अब तुम कहाँ जाओगे, मेरे प्राणों का सहारा क्या रहेगा। ऐसा कहते हुए श्री भारती जी रोने लगे और प्रभु के साथ ही चल दिए। बोले, श्री कृष्ण चैतन्य, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और कृष्ण कथा संकीर्तन का आनंद लूंगा। थोड़ी दूर तक श्री भारती जी प्रभु के साथ रहे, फिर प्रभु ने इन्हें प्रणाम कर वापस कंटक नगर भेज दिया। श्री भारती जी अब नगर में आए तो अनेक नर नारी जो श्रीमन महाप्रभु की लीला के रहस्य तथा इनके उनके रूप ज्ञान को ज्ञान से शून्य थे, इनसे बड़ा दुख मान गए। जिस समय से संन्यास प्रदान कर रहे थे उस समय भी कंटक नगर के नर नारी श्रीमन महाप्रभु के श्री अंग की शोभा देख देख कर श्री भारती जी को मन मन में कोस रहे थे, कैसा कठिन हृदय है इस भारती का, हाय हाय, यह ऐसे बालक को सन्यासी बना रहा है, यह कोई सन्यास धर्म का पालन थोड़े हो रहा है, एक उपहास हो रहा है। श्री प्रभु के मुखचंद्र को देख देख कर कंटक नगरवासी श्री भारती को गालियां ही दे रहे थे। जब यह लौटकर नगर में आए तो सबने एक स्वर में कहा, श्री चैतन्य मंगल, यह
सन्यासी अति कठोर हृदय है, इसे जरा भी दया नहीं। इसे नगर में मत रहने दो, बाहर निकाल दो। श्री भारती जी तो हृदय में जा नहीं रहे थे कि मेरे प्रभु ने ही मुझसे ऐसा कार्य कराया है। उनकी यह लीला है जगत के जीवों के उद्धार के लिए। श्री भारती जी ने सबको प्रणाम किया और कहा, अहो धन्य हैं आप सब जो श्री प्रभु के प्रति आप में ऐसा अहेतुक स्नेह का उदय हुआ है। श्री भारती जी ने फिर श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप का परिचय दे देकर नगरवासियों को उनकी लीला का रहस्य बताया। जब श्रीमन महाप्रभु वृंदावन न जाकर राम के लिए ग्राम से शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे तो देवयोग से वहाँ एक श्रेष्ठ सन्यासी भी आ पहुँचा। श्री आचार्य ने उन्हें भिक्षा की प्रार्थना की। वह सन्यासी बोला, मैं भिक्षा तो आपके घर करूँगा ही, किंतु मुझे पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री आचार्य ने कहा, सुंदर है, आप पहले प्रसाद पाइए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। किंतु वो सन्यासी महोदय जिद पर अड़ गए, पहले उत्तर पीछे प्रसाद। श्री आचार्य को हार माननी पड़ी। उन्होंने कहा, महोदय पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सन्यासी ने कहा, आचार्य मुझे यह बताइए, श्री केशव भारती में श्रीमन महाप्रभु का क्या संबंध है? श्री अद्वैताचार्य मन में सोचने लगे कि इस विषय में दो पक्ष हैं, एक तो व्यावहारिक पक्ष है, दूसरा पारमार्थिक। श्री महाप्रभु का श्री भारती जी से दोनों प्रकार का संबंध है, लौकिक लीला या व्यावहारिक पक्ष में। श्री भारती जी श्री महाप्रभु के गुरु हैं और पारमार्थिक पक्ष में श्रीमन महाप्रभु जगत गुरु सर्वेश्वर हैं। अतः श्री प्रभु ही भारती के गुरु हैं। श्री आचार्य प्रभु स्पष्ट बोले, सुनिए महाशय, श्री भगवान का कोई माता पिता गुरु नहीं है, वे ईश्वर अनादि एवं अजन्मा हैं। तथापि उन्हें यशोदा नंदन वासुदेव पुत्र कहा ही जाता है। इसी प्रकार पारमार्थिक पक्ष में श्रीमन महाप्रभु का कोई गुरु न होकर भी व्यवहारिक पक्ष में श्री केशव भारती श्री महाप्रभु के गुरु हैं। श्रीपाद केशव भारती श्री महाप्रभु के गुरु हैं। श्री अद्वैत प्रभु के 5 वर्षीय बालक अच्युतानंद ने यह सुना। वह उस समय आंगन में खेल रहा था। वह दौड़कर पिता श्री अद्वैत प्रभु के पास आया और बोला, पिताजी आपने क्या कहा, केशव भारती श्री महाप्रभु के गुरु हैं? श्री चैतन्य प्रभु का भी कोई गुरु हो सकता है? किस बल पर आपने ये कहा? मुझे मालूम होता है यहाँ भी कलयुग का प्रवेश हो गया है, अथवा श्री चैतन्य की दुस्तर माया जो ब्रह्मा शिव को भी मोहित कर लेती है, आपके ऊपर भी उसका प्रभाव छा गया है। श्री चैतन्य परमेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, उनका भी कोई गुरु? कदापि नहीं। इतना कहकर श्री अच्युत सिर झुकाकर चुप हो गया। श्री अद्वैताचार्य अपने 5 वर्ष के शिशु से श्री महाप्रभु का तत्व सुनकर विस्मित होठे और आनंद विभोर भी नेत्रों से सानंद के अश्रु झरने लगे। अच्युत को गोद में उठा उठा कर बार बार चुंबन किया और रोते रोते बोले, अच्युत तुम मेरे पिता हो आज से और मैं तुम्हारा पुत्र। श्रीमन महाप्रभु की तत्व शिक्षा देने के लिए ही तुम मेरे पुत्र रूप में आविर्भूत हुए हो। हे वत्स, तुम मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद फिर मैं ऐसी बात कभी नहीं बोलूँगा। सन्यासी महोदय बाप बेटा के कथोपकथन को सुन रहे थे। उनके मुख से और कोई बात न निकली। उन्होंने उठकर श्री अच्युत के चरण पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए इतना ही कह पाए, मैं तो आया था श्री अद्वैत प्रभु की महिमा देखने, यहाँ तो पिता पुत्र एक दूसरे से बढ़कर निकले। एकमात्र ईश्वर की कृपा का चमत्कार जानकर वो सन्यासी वहाँ से विदा होकर चला गया। एक दिन श्री महाप्रभु जी ने अपने गुरुदेव श्री केशव भारती जी से पूछा, गुरुदेव यह तो बताइए, भक्ति और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है? श्री भारती ने कहा, कृष्ण चैतन्य, मैं मन में खूब विचार करके कहता हूँ कि ज्ञान से भक्ति अति श्रेष्ठ है। प्रभु ने पूछा, ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ कैसे है? सन्यासी गण तो ज्ञान को भक्ति से बड़ा और श्रेष्ठ मानती हैं। श्री भारती जी बोले, ऐसा कहने वाले विचार पूर्वक नहीं कहते, केवल गुरु परंपरा से ऐसा मानते और कहते आ रहे हैं। वस्तुतः भक्ति ज्ञान से अति श्रेष्ठ है।
ब्रह्मा शिव नारद प्रहलाद व्यास सुखदेव सनकादिक श्री नंद युधिष्ठिर ध्रुव अक्रूर एवं उद्धव आदि जितने महापुरुष हुए हैं वे सदा श्री भगवान की भक्ति की प्रार्थना करते हैं। वे मुक्ति देने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते, एकमात्र श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा की ही प्रार्थना करते रहते हैं। चैतन्य ब्रह्मा जी के इन वचनों को ही मैं सार वचन मानता हूँ। हे भगवान, मुझे तो ऐसा महान सौभाग्य प्रदान कीजिए कि चाहे इस ब्रह्मा जन्म में हो अथवा किसी और जन्म में, यहाँ तक कि पशु वृक्ष आदि तिर्यक योनि में जन्म होकर भी आपके भक्तों में एक शुद्र सेवक बनकर आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर सकूं। श्री भारती जी के मुख से भक्ति का महत्व सुनकर प्रभु हरी हरी बोलकर नाचने लगे और बोले, प्रभो यदि आप ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ बताते हो तो मैं आज ही समुद्र में कूद पड़ता। आपने परम सत्य वचन कहे हैं। श्री भारती जी ने श्री महाप्रभु को आलिंगन किया और दोनों आनंद में विभोर हो गए। ऐसे अद्भुत चरित्र हैं श्रीपाद भारती जी के। श्री गोस्वामी पाद के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तो ये था श्रीपाद केशव भारती जी का पावन जीवन चरित्र। जय श्री राधे, जय नित्य।